अलमकुम डर फॉल्स कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद हैं कि सब कैरियर से होंगे आज हमारा मैथ का लेक्चर नंबर नाइन है जिसके अंदर हम एक्सरसाइज टू पॉइंट थ्री को डिस्कस करेंगे तो इसके अंदर जो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन दॉ विद दल्प ऑफ कॉमुटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ पहले बच्चों हमने पिछले लेक्चर के अंदर ये देखा था कि कामुटेटिव लॉ क्या होता है और एसोसिएटिव लॉ क्या होता है तो यहाँ पर हम उनको अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर देखें जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है फोरटीन प्लस एम बॉक्स आगे नाइन प्लस फोरटीन तो फोर्टीन के अंदर एम बॉक्स दिया गया है और नाइन प्लस फोर्टीन तो मेरे बच्चों मैंने आपको बताया था कि जिसके अंदर जस्ट दो नंबर आ जाए तो उस पर कामोटेटिव लॉ अप्लाई होता है कामोटेटिव लॉ अप्लाई कामोटेटिव लॉ क्या था कि उनकी जगह चेंज करता है यानी है तो नाइन और फोरटीन तो ये नाइन और फोरटीन है तो इधर आकर फोर्टीन प्लस नाइन बनेगा तो इस बॉक्स के अंदर हमारे पास क्या आएगा नाइन आएगा तो इसी तरह से अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो पहले कॉम्पिटेटिव लॉ के क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं बाद में एसोसिएटिव लॉ की तरफ मूव करते हैं तो इसमें पहले एम्प्टी बॉक्स दिया गया है प्लस सेवन है और फिर एम्प्टी बॉक्स है और प्लस सिक्स है अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो मैंने कहा था इनकी जस्ट जगह चेंज होती है इसमें सेकंड नंबर सिक्स है तो इसमें फर्स्ट नंबर कौन सा होगा सिक्स होगा अगर लेफ्ट साइड पे सेकंड नंबर सेवन है तो इधर फर्स्ट नंबर कौन सा होता है सेवन क्योंकि कॉमोटेटिव लॉ क्या था a प्लस बी इक्वल टू होता है b प्लस ए के यानी इधर जो सेकंड नंबर है वो इधर फर्स्ट नंबर होगा और इधर फर्स्ट नंबर इधर सेकेंड नंबर होगा तो ये हमारे पास बॉक्सिस फिल हो गए अब इसके बाद देखते हैं एसोसिएटिव लॉ क्या है अगर हम एसोसिएटिव लॉ सेकंड क्वेश्चन मूव करें तो one plus empty box और इसके गिद ब्रैकेट है plus two equal to, फिर empty box है फिर स तो प्यारे बच्चों के अंदर अंदर मैंने आपको बताया था कि इनके अंदर इनका तो सेम रहता है लेकिन जस्ट ब्रैकेट चेंज होती है तो इधर देखें प्लस एम टी बोक्स प्लस टू तो देखें इधर भी सीक्वेंस यही रहेगा इधर फर्स्ट नंबर वन है तो इधर भी फर्स्ट नंबर वन होगा सेकेंड नंबर फाइंड करना है तो इधर सेकेंड नंबर फोर है तो सेकंड दोनों तरफ फोर ही होगा और थर्ड नंबर तो दोनों में टू है।, है लेकिन तरतीब है वो सेम रहती है क्वेश्चन नंबर फाइव तो फाइव तो के अंदर वो कह रहा है फाइव प्लस सेवन इसके ब्रैकेट है प्लस नाइन इक्वल टू है एम्प्टी बॉक्स आगे प्लस फिर एम बॉक्स और प्लस फिर एम बॉक्स अब यार बच्चों देखें यहाँ पर भी तीन नंबर हमारे पास आ रहे हैं तो ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ होगा एसोसिएटिव लॉ के अंदर मैंने बताया था जस्ट ब्रैकेट चेंज होती है लेकिन उनका सीक्वेंस चेंज नहीं होता तो पहला नंबर फाइव है तो यहाँ पर फाइव ही रहेगा सेकंड नंबर सेवन है तो यहाँ पर सेवन ही रहेगा और थर्ड नंबर नाइन है तो थर्ड नंबर नाइन ही रहेगा तो इसी तरह से अगर हम इसका लास्ट क्वेश्चन देखें तो पहला नंबर फाइव है तो इधर भी पहला नंबर फाइव आ जाएगा सेकेंड नंबर हमने फाइंड करना है तो सेकेंड नंबर टेन है तो इधर भी टेन आ जाएगा और थर्ड नंबर फिर फाइंड करना है थर्ड नंबर फिफ्टीन है तो इधर भी क्या आ जाएगा फिफ्टीन आ जाएगा तो एसोसिएटिव लॉ के अंदर उनकी तरतीब सेम रहेगी ब्रैकेट चेंज होगी जबकि कामोटेटिव लॉ के अंदर उनकी जगह चेंज करेंगे तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़